हेलो, चलो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम ही काफी इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। सर, जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया भी काम के होते हैं क्या? बैक्टीरिया फंगी भी काम के होते हैं? हाँ, ये भी काम के होते हैं। उनके बेनिफिट्स भी इसके लिए मैं चैप्टर में पढ़ने हैं। टाइटल तो यही कह रहा है, टाइटल तो यही कह रहा है कि इनके बेनिफिट्स क्या है, इनके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, इनके बेनिफिट्स क्या हैं तो जरा देखते हैं। बैक्टीरिया आर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल। सर, बैक्टीरिया इतने प्राणी ऑर्गेनिज्म हैं, इतने प्राणी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिंगल सेल के बने होते हैं। दे आर जेनेटिक मटेरियल इज डिस्पर्स्ड इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जीन्स वाला जो मटेरियल होता है उनका, वो फैला हुआ है उनके सेंट्रल रीजन में। डिस्पर्स मतलब फैला हुआ है उनके सेंट्रल रीजन में, फैला हुआ है वो बिना किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। सर, तो ऐसे टाइप को अगर आपको प्रीवियसली याद हो, जहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो इस तरह के जो वो होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? प्रोकार्योट्स। क्या बोलते हैं? प्रोकार्योट्स, है ना। दैट इज लाइक अ ट्रू न्यूक्लियस, तो दे आर प्रोकार्योट्स। यानी बैक्टीरिया कैसे होते हैं? बैक्टीरिया प्रोकार्योट्स होते हैं। फाइव किंगडम पढ़े थे ना, ध्यान हो तो आपको, उनकी बात कर रहे हैं। फिर कह रहे अकॉर्डिंग टू द, देखो लिखा भी हुआ है, अकॉर्डिंग टू द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया बैक्टीरिया ना प्लांट्स। अब बैक्टीरिया प्लांट्स नहीं है। द रीजन बींग बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, द रीजन बींग बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक। सर, इसको हम प्लांट क्यों नहीं कहते हैं? किसका रीजन ये है कि प्रोकैरियोटिक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, इंस्टेड ऑफ बींग एंड मल्टीकैरियोटिक एंड मल्टी सेलर। और क्योंकि यूकैरियोटिक और मल्टी सेलर नहीं है, इसलिए ये प्लांट नहीं है। सर, बैक्टीरिया होते क्या है? देखो क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरिया आर द मोस्ट प्रिमिटिव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सर, बैक्टीरिया सबसे पुराने सिंगल टाइप के, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। ईच बैक्टीरियल सेल, हर इनका जो सेल होता है, यानी हर बैक्टीरियल जो सेल होता है, कंटेन्स द सिंगल क्रोमोसोम। इनमें सिंगल क्रोमोसोम होता है जिसको हम न्यूक्लियर मटेरियल बोलते हैं, विच इज नॉट एनक्लोज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्लोज नहीं होता, बंद नहीं होता, यानी वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। सिंपल ऊपर वाली बात को दोबारा से लिखा पढ़ाया हमने। तो ऐसे तरीके के सेल को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया सो न्यूमरस एंड एवरीवेयर। सो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं और हर जगह होते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है? हो रही है। बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं और हर जगह होते हैं। देर आर सेवरल थाउजेंड नोन स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया विच अकर इन एयर, वाटर, सॉइल, फूड, ऑन और इन साइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कह रहे हैं कि हजारों तरीके के स्पीसीज इन बैक्टीरिया के, हजारों तरीकों के। सर, ये कहाँ कहाँ रहते हैं? हवा में, पानी में, मिट्टी में, खाने में, हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के बाहर। ठीक है, एंड इन शॉर्ट प्रैक्टिकली एवरीवेयर। सर, सिंपल सिंपल बोलते ना कि हर जगह। हाँ, तो हर जगह रहते हैं ये। इन आर ओन बॉडी, सर, हमारी खुद की बॉडी में, देर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया इन माउथ। सर, हमारे माउथ में थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियाज हैं। ऑन स्किन, है ना, इंटेस्टाइन, इंटरनल जेनिटल ट्रैक्स एक्सेट्रा। सर, हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स तो ऐसे नॉर्मल बहुत ज़्यादा होते हैं। सर, बैक्टीरिया अकरिंग इन आर इंटेस्टाइन आर बेनिफिशियल। सर, कुछ तो बेनिफिशियल भी होते हैं। दे आर सिंथेसाइज सर्टेन विटामिन। सर, क्या कहते हैं? विटामिन बनाते हैं सच एज विटामिन बी। और सच विटामिन बनाते हैं तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो बहुत अच्छी बात है ही है। सर्टेन बैक्टीरिया हार्मफुल एंड कॉज मेन डिजीज। सर, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं और उनकी वजह से बीमारियाँ भी होती हैं।
बट देयर अदर्स व्हिच आर हाईली यूजफुल एज वेल, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो यूजफुल भी होते हैं. अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट देयर आर मोर बैक्टीरिया नॉर्मली लिविंग ऑन योर स्किन देन द टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ. वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन जितने हैं ना अर्थ में, सपोज करो 7 बिलियन है, कितने हैं 7 बिलियन, तो जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया उनसे ज़्यादा है. बैक्टीरिया दुनिया में इंसानों के नंबर से ज़्यादा है. दीज बैक्टीरिया इवन यूजफुल एज द प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल वंस. सर ये यूजफुल भी होते हैं क्योंकि हार्मफुल बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देते हैं. हाँ तो वो हाँ बेनिफिट पूरे पड़ेंगे, तो एक करके बेनिफिट बता रहे हैं. पहला बेनिफिट उन्होंने क्या बताया, विटामिन बनाते हैं. दूसरा बनाया कि ये सर गंदे हार्मफुल गंदे बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देते. सर इनका साइज क्या होता है, कैसे दिखाई देते हैं, कहाँ से आते हैं लोग. बैक्टीरिया आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. बैक्टीरिया क्या है, सबसे छोटे सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटे जिंदा ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पर. विद एन एवरेज साइज ऑफ 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड 0.5 माइक्रोमीटर थिक. ओहो माइक्रोमीटर का मतलब पता है, इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया, मतलब 2 माइक्रोमीटर मतलब ये हो गया बहुत छोटा बहुत छोटा. माइक्रोस्कोप से भी देखोगे ना तभी दिखाई देगा जाके, इतने ही होते हैं. ठीक है, इनकी शेप कैसी होती है, तो शेप वाइज 4 टाइप्स के होते हैं. शेप वाइज ये 4 टाइप्स के होते हैं, कोकी, बेसिली, स्प्रेला, बिब्रियो. बिब्रियो है ना. तो कोकी मतलब क्या, स्फेरिकल शेप. बेसिली मतलब क्या, रॉड शेप्ड. ये तो हमने पता नहीं पहले ही पढ़ रखी है, ये डिटेल में तो शायद अब पढ़ेंगे, पर ये हमने ये नाम तो पहले ही पढ़ रखे हैं. स्प्रेला स्पाइरल और ट्विस्टेड बैक्टीरिया. विब्रियो मतलब कॉमा शेप्ड है ना. मैनी बैक्टीरिया लिव सिंगली बट सम अकर इन पेयर्स और इन लॉन्ग चेन्स और इन क्लस्टर्स. वो कहने तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे अकेले रहते हैं, डिप्लोकोकी कहते हैं, कुछ चेन्स बना के रहते हैं, एक सीरीज बना के रहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकी कहते हैं. कुछ ग्रुप में रहते हैं, उन्हें स्टेफलोकोकी कहते हैं. पता नहीं ये भी मेरे को लग रहा है नाम मैंने पहले पढ़ रखे हैं, अब मैं तो रिवाइज करता नहीं बार बार, मुझे तो याद है नहीं, मैं तो पढ़ाकर भूल जाता हूँ चैप्टर. आप तो डेली रिवाइज कर रहे होंगे है ना, तो आपको तो ध्यान भी आ रहा होगा कि हाँ सर ऐसा था. स्ट्रक्चर सर ये दिखते कैसे हैं. Each individual bacterium is rather a simple cell. Is rather a each. Sorry, sir. Seriously, I don't know. So single cell के अलावा बहुत कुछ है. It contains a living substance. Sir, ये अपने अंदर living substance भी रखते हैं. Living substance मतलब क्या? Protoplasm रखते हैं अपने अंदर. Protoplast lying within the cell membrane. Surrounded by a non-living stiff cell wall. और सर ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, ये non-living stiff cell wall के अंदर होता है, उससे कवर्ड होता है बेसिकली. The cell wall is made of peptidoglycan, glycan, not of cellulose. The cellulose तो प्लांट में बनती थी, यहाँ तो भी लिखा है cellulose की तरह नहीं बनती, जैसे कि प्लांट में प्लांट सेल्स होती हैं, उनके प्लांट की सेल वॉल जो होती है, सेल्स वॉल जो होती है वो cellulose से बनती है. तो यहाँ पे इनकी सेल वॉल सेलुलोज से नहीं बनती, पेप्टिडोग्लिकन ग्लिकन से बनती है. ठीक है, जो भी आप प्रोनाउंस करो. और यहाँ पे जो अब जो बायोलॉजी डिफिकल्ट बनता है ना, वो इसी वजह से बन जाता है. प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, नॉन लिविंग स्टेप सेल, पेप्टिडोग्लिकन, सेलुलोज, ऐसे खतरनाक वर्ड्स आ जाते हैं, मतलब वो खूब खतरनाक हो जाती है. इन वर्ड्स की आपको आदत डालनी पड़ेगी, और जब आपको इन वर्ड्स को सुनने की आदत पड़ जाएगी ना, तब आपके लिए बाकी 10 सब्जेक्ट जैसे लगने लगेगा. जनरली लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है अदर सब्जेक्ट से. हिस्ट्री से कंपेयर करो, ज्योग्राफी से कंपेयर करो, तो लोगों को डिफिकल्ट लगता है वर्ड्स की वजह से. लेकिन जो बात हो, जो डिफिकल्टी की जो बात की है,
व्हाट्सएप अगर आप समझ जाओ कि ऐसा उसमें आके जाते हैं, इसमें क्या डरने वाली क्या बात है, बस फिर आपके लिए चैप्टर इजी, सब्जेक्ट इजी हो जाएगा। अथिन सेल मेम्ब्रेन लाइज इमीजिएटली बीनीथ द सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वो बिल्कुल ही मतलब क्या, सेल वॉल के नीचे रहता है, सराउंड द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म को कवर करके रखता है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सर यहाँ पे कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, नहीं कोई उसका साइज डिफाइंड नहीं है, बट कोई मटेरियल डीएनए मटेरियल इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल रीजन, बट बीच में उनके सेंट्रल रीजन में डीएनए होता है। दिस को मटेरियल मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ सिंगल सर्कल, सर ये सिंगल सर्कल के शेप में होता है, उसके फॉर्म में होता है, एंड इज नॉट एनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड नहीं होता है, बट इज अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन एट सम पॉइंट, लेकिन किसी जगह पर जाकर ये अटैच होता है, मेम्ब्रेन से अटैच होता है। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स वैक्यूल्स ग्रेन्यूल्स एंड इन सम केसेस क्लोरोफिल एज वेल, ठीक है, सारी चीजें इनके पास होती हैं। समटाइम्स अ स्लिमी प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड कैप्सूल इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल, कभी कभी कुछ बैक्टीरिया से हो सकते हैं, इनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो उस केस में वो अपने आप बर्न होते हैं प्रोटेक्टिव लेयर को लेकर, जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। देखो ये इन्होंने पिक्चर से दिखाई, यहाँ पे दिखाया ना प्रोडक्शन, हाँ आपको तो वैक्सीन कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, ये एक सबसे बड़ी एक सपोज करो एक बड़ा वो है क्या कहते हैं ये एक सेल है ना, बैक्टीरिया एक सेल, इस बैक्टीरिया के अंदर ही एक बैक्टीरियल बर्न होने लगेगा आपको दिखाई दे रहा है, हल्की सी देखो अलग अलग हो गए, ये अपनी कॉपी बनाता है, ये अपनी कॉपी बनाता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अपनी कॉपी बनाता है, ठीक है बन गए, अब बनने के बाद में ये अलग अलग हो जाते हैं, बनने के बाद ये अलग अलग हो जाते हैं, तो ऐसे ही आगे आके और बन जाते हैं, फिर आगे आके और बन जाते हैं, तो ऐसे बहुत ज़्यादा बनते रहते हैं मूवमेंट, कैसे चलते हैं ये लोग, कैसे मूव करते हैं ये लोग। मोस्ट बैक्टीरिया कैन नॉट मूव, मोस्ट बैक्टीरिया कैन नॉट मूव, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो होते हैं वो मूव नहीं कर पाते, अब आउट है ना, ऑन देयर ओन मूव आउट, इधर उधर अपने अपने खुद से, वो अपने खुद से नहीं घूम सकते, तो सर कैसे, कैसा किसी की जरूरत चाहिए होगी इनको, हाँ दे आर ओनली पैसिवली ट्रांसपोर्टेड, सर उनको किसी और के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, लाइक विंड वाटर या फिर कोई कॉन्टेक्ट में आ जाए, ठीक है सर, कॉन्टेक्ट में आ जाए का मतलब सपोज कुछ आपके हाथों में बैक्टीरिया है, मैं आपके पास आया, मैंने आपका हाथ मिलाया, तो बैक्टीरिया मेरे हाथ में आ गए और अब मेरे साथ चले गए कॉन्टेक्ट से, बट सम बैक्टीरिया पजेसेस वन और मोर व्हिपलाइक फ्लैगेला एंड सब कुछ के तो पंख वगैरह होते हैं, कुछ पी एयर्स थ्रू सेल वॉल, जो सेल वॉल से बाहर निकलते हैं कैप्सूल से, द लेसिंग मूवमेंट्स ऑफ द फ्लैगेला प्रोवाइड एक्टिव लोकोमोशन इन अ लिक्विड एनवायरनमेंट, सर जब माहौल थोड़ा सा वाटर वेपर वाला होता है तब ये थोड़ा मूव कर पाते हैं फ्लैगेला की वजह से। न्यूट्रिशन, मोस्ट बैक्टीरिया हैव नो क्लोरोफिल, सर जितने बैक्टीरिया होते हैं उनके पास क्लोरोफिल तो होता है नहीं, मोस्टली के पास पीछे तो सर आप हमने पढ़ा था ज्यादा होता है, अरे होता है लेकिन थोड़ा होता है यहाँ पर, कुछ के पास नहीं होता, खुद के पास होता है, सही लिखा ना तो क्या गलत लिखा है। देयरफॉर दे डिपेंड ऑन रेडीमेड फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, तो सर वो इसी वजह से सर वो दूसरे सोर्सेज पर डिपेंड रहते हैं, सर खुद पे क्यों नहीं रहते हैं, खुद पे रहने के लिए क्लोरोफिल गैस की जरूरत है ना खाना बनाने के लिए, हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, तो उनके पास खुद सामान बनाने के लिए गैस है ही नहीं, तो वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं कि कोई आए मुझे बना कर दे जाए, ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट सोर्सेज को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरो सर डिफरेंट किया पे अगर सेम सोर्सेज होता था तो ये हेटेरो की जगह हेमो हो जाता है, क्या होता है हेमो हेमेरोट्रॉफिक है ना, तो हेटेरो किसकी वजह से, वो डिफरेंट वर्ड की वजह से हेटेरो आया यहाँ पे, ठीक है। इन दिस कैटेगरी द बैक्टीरिया मे बी सेप्टोट्रॉफिक और पैरासिटिक, सेप्टोट्रॉफिक मतलब क्या, जो अपना नरिशमेंट लेते हैं
डिकिंग डेड ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑलरेडी डेथ हो चुके हैं वो खराब हो रहे हैं, तो ये खराबों को खा खा कर अपना खाना बनाते हैं, जिनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक। दूसरे पैरासिटिक, ड्राइंग नरिशमेंट फ्रॉम द बॉडी ऑफ देयर लिविंग होस्ट, लिविंग होस्ट मतलब जिसकी बॉडी पर ये हैं, इंसानों के ऊपर तो इंसानों से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, एनिमल्स की बॉडी में तो एनिमल्स से ले रहे हैं, ठीक है। तो पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक, रिकॉर्डिंग चल रही है। द बैक्टीरिया सेक्रेट पावरफुल एंजाइम फ्रॉम देयर सेल्स इन टू द सराउंडिंग फूड कंटेनिंग, अच्छा सराउंडिंग फूड कंटेनिंग फूड सराउंडिंग फूड वो कह रहा है, ये जो बैक्टीरिया वो कह रहा है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये कुछ ना कुछ छोड़ते हैं एंजाइम से, ऐसा कुछ पावरफुल एंजाइम से छोड़ते हैं अपने सेल्स से इन टू द सराउंडिंग अपने एरिया में, अपने एरिया में फूड कंटेनिंग मटेरियल, सराउंडिंग फूड कंटेनिंग मटेरियल है ना। द एंजाइम्स मेक द फूड मटेरियल सॉल्युबल, अच्छा यानी जैसे सामान में खाना रखा रहता है ना उनका, कि उसमें क्या करते हैं पावरफुल एंजाइम्स छोड़ते हैं, फिर एंजाइम्स क्या करते हैं मेक द फूड मटेरियल सॉल्युबल, ओहो फिर ये एंजाइम्स क्या करते हैं फूड मटेरियल को सॉल्युबल खाने लायक बना देते हैं, बस इज देन एब्जॉर्ब्ड एज अ सॉल्यूशन, फिर इसको बाद में क्या करते हैं एज अ सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओहो कितने होशियार हैं, बहुत अच्छे। रेस्पिरेशन, अरे कैसे ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, सम बैक्टीरिया रेस्पायर बाय एब्जॉर्बिंग एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, तो इस तरह के बैक्टीरिया को एरोबिक बोलते हैं, अदर्स नीड नो फ्री ऑक्सीजन, सो किसी को फ्री की जरूरत होती है इसको एनारोबिक बोलते हैं। द एनारोबिक बैक्टीरिया आर किल्ड इफ एक्सपोज टू एयर, और सर ये अगर हवा में आ गए गलती से हवा के कॉन्टेक्ट में तो इनकी डेथ हो जाती है। तो सर हमारी बॉडी में कौन से वाले होते होंगे एनारोबिक या एरोबिक, तो बॉडी के अंदर तो एनारोबिक भी हो सकते हैं लेकिन बॉडी के बाहर तो एरोबिक ही होंगे। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज ओनली असेक्सुअल बाय सेल डिविजन, और सेल डिविजन इज ओनली असेक्सुअल बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन, क्योंकि रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा फिजन से होगा सेल डिवीजन से होगा, यानी सेलों के अलग होने से। द सर्कुलर डीएनए डुप्लीकेशन, द सर्कुलर डीएनए जो होता है ना वो क्या हो जाता है, जो सर्कुलर डीएनए होता है वो अपना अपना वो डुप्लीकेट पार्ट निकाल लेता है। द सेल एक्सपेंड एंड टू डीएनए फुल्ड अपार्ट, और वो सेल एक्सपेंड होता है और दो जो डीएनए होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो गए है ना। द सेल कंस्ट्रिक्ट एट मिडल सेपरेटिंग टू सेल्स, द सेल कंस्ट्रिक्ट एट द मिडल, सेल होता है वो, तो वो सेल होता है वो मिडल में रुक जाता है और दोनों सेल्स को अलग कर देता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया द टू डॉटर सेल्स में आइदर रिमेन अटैच्ड और मे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एज इंडिपेंडेंट सेल्स, वो कह रहा है सर अभी डिपेंड करते हैं उनके बैक्टीरिया के टाइप के ऊपर वो किस तरह के हैं है ना, तो इनको डेड डॉटर सेल्स बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया नहीं था याद रख लो। तो अब इनको ये तो पेरेंट बोला जाएगा, जब ये टूट जाएगा तब इन दोनों को डॉटर सेल बोला जाएगा, तो डॉटर सेल नहीं ये तो आपस में अटैच रह भी सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, ठीक है ये डिपेंड करता है किस टाइप के हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट, बैक्टीरिया जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस बहुत तेजी से करते हैं। अंडर आइडियल कंडीशन सम बैक्टीरिया डिवाइड एट अ वेरी फास्ट रेट, कुछ तो मतलब ऐसे आइडियल अगर उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, आइडियल कंडीशन अगर उन्हें मिल जाए तो वो अपने आप को बहुत फास्ट स्पीड में डिवाइड करते रहते हैं, वंस इन एवरी हाफ एन आवर, ओके हर आधे घंटे में एक बार, हर आधे घंटे में एक बैक्टीरिया बॉर्न होता है, हर आधे घंटे में एक। एट दिस रेट ऑफ ग्रोथ द डिविजन स्टार्टिंग विद अ सिंगल बैक्टीरियम एट द एंड ऑफ 24 आवर्स देयर वुड बी, ओके यानी सर 24 घंटे में कितने बैक्टीरिया हो जाते होंगे, नंबर याद रखना, एक दिन में कितने बैक्टीरिया बने हैं बॉर्न दिन में सोचो। हाईली प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज बीन फाउंड इन वेरी फ्यू बैक्टीरिया, मतलब वो कह रहे हैं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए तो वो बहुत कम केसेस में होता है, तो बहुत कम बैक्टीरिया के अंदर होता है, एंड वो काफी सिंपल और वो काफी सिंपल है। इन दिस मेथड टू बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ यानी दो बैक्टीरिया जो डिफरेंट स्पीशीज के होते हैं कम टुगेदर वो एक साथ आते हैं, दे प्लास्मिड
the plasmid of the donor may be transferred into the recipient through a hollow tube-like extension of the donor cell. सर उनके बीच में प्लाज्मिड बोला जाता है, प्लाज्मिड है ना जो डीएनए होता है बेसिकली दोनों का डिफरेंट ना, तो वो दोनों के डीएनए जो होते हैं, वो डीएनए जो होता है डोनर का वो दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है ना, बाय वे ऑफ बाय थ्रू द होलो ट्यूब है ना, बाय थ्रू द होलो ट्यूब, इस तरह से उनके बीच में हो जाता है रिप्रोडक्शन। स्पोर्स टू ओवरकम, स्पोर्स टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन, स्पोर्स टू ओवरकम फेवरेबल कंडीशन मतलब क्या, व्हेन unfavorable condition set in, जो unfavorable conditions आती हैं such as the drying up of vegetation, so vegetation सूख रही है, the vector cell draws its content into spherical mass, ये अपना content जो है spherical mass में निकालते हैं, which becomes surrounded by thick and hard protective wall, जो कि surround हो जाता है thick और hard protective wall से, this little rounded body is a spore, इस छोटी सी rounded body को हम spore कहते हैं, which is contained within original cell wall, जो कि original cell wall के अंदर होती है, बट लेटर लेकिन बाद में बिकम फ्री व्हेन द सेल वॉल रप्चर, जब बाद में वो रप्चर हो जाता है तब बाद में वो फ्री हो जाता है। सच स्पोर्स आर यूजुअली द रेस्टिंग स्टेज, सर ये जो स्पोर्स होते हैं ना ये जनरली रेस्टिंग स्टेज होते हैं, विच कैन विदस्टैंड, जो कि ठहर सकती हैं, सह सकती हैं अनफेवरेबल कंडीशंस को, ठीक है। दिस कैन टॉलरेट एक्सट्रीम ड्राइनेस, सर ये बिल्कुल सहन कर सकती हैं एक्सट्रीम ड्राइनेस को भी, सम कैन नॉट बी किल्ड, किसको तो मारा भी नहीं जा सकता, इवन एट द टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर ऑफ फ्रोजन आइस, ओके 100 डिग्री करो से जीरो कर दो, मार भी नहीं सकते हो। सम कैन टॉलरेट पॉइजनस केमिकल्स, को जहर भी टॉलरेट कर सकते हैं। द स्पोर्ट्स कैन कैरीड फार, स्पोर्ट्स को ले जा भी सकते हैं दूर एंड है ना फार एंड वाइड बाय वेरियस मीन्स, बहुत तरीके से, जैसे विंड हो गया, वाटर के तरीके से हो गया, कॉन्टैक्ट के तरीके से हो गया, कैसे भी ऑन मीटिंग फेवरेबल कंडीशन, जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है द स्पोर्ट्स जर्मिनेट एंड देयर डोरमेंट प्रोटोप्लाज्म बिकम्स एक्टिव, तो सब स्पोर्ट जर्मिनेट होते हैं और मैं जो डोरमेंट प्रोटोप्लाज्म होता है ना वो एक्टिव हो जाता है एंड स्ट्रीम्स आउट ऑफ द रप्चर्ड वॉल और वो रप्चर्ड वॉल से बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ न्यू बैक्टीरिया, नए बैक्टीरिया के तरह फॉर्म में बाहर आता है। स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया इज नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मगर स्पोर फॉर्मेशन जो होता है ना वो रिप्रोडक्शन का मेथड थोड़ी है वो, बट सिंपली मेथड ऑफ एस्केपिंग अनफेवरेबल कंडीशन, वो तो बस अनफेवरेबल कंडीशन से बाहर आने का तरीका है, वो तो बस अनफेवरेबल कंडीशन से बाहर आने का तरीका है। ये आप बता देना उनको क्या क्या बोलते हैं आप कहोगे, लिस्ट द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन लिख देना, कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया, व्हाई डू बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, फिफ्थ वाला भी ठीक है, दो सेकंड रुकने के रहा, चलो ठीक है, गेट तो बंद है, कितना बड़ा है चैप्टर हमारा, एक दो तीन चार पाँच छः, चलो इसमें दो पार्ट है ना ए बी, चलो ओके। यूजफुल रोल, अब आया काम तो, अब आया चैप्टर का जो बेसिकली जो क्लक्स था, यूजफुल रोल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के रोल क्या क्या है, बैक्टीरिया के रोल क्या क्या है ना, बैक्टीरिया यूज इन मेडिसिन, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ बैक्टीरिया आर यूज इन मेडिसिन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, सीरम वैक्सीन, सर एंटीबायोटिक या फिर सीरम या फिर वैक्सीन, इनको बनाने के लिए हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं, क्या जाता है एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, एंटीबायोटिक दवाई अपनी नहीं खाई है जिसकी वजह से कुछ मतलब बीमारी फैलती नहीं है, वायरस नहीं लगता है, तो एंटीबायोटिक इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सम डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया एंड फंगी, मतलब कहते हैं प्रॉब्लम भरती नहीं है, वायरस भरता नहीं है, तो ये क्या करता है, इनका जमीन कम होता है ना, वो क्या होता है स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, हमारे बॉडी के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारियां प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे लो ऐसे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना, ऐसे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे फंगी, ताकि हमारी बीमारी और ना बढ़े, हमारी बीमारी और ना बढ़े, इसलिए हम क्या लेते हैं एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटीबायोटिक से भी हमारी सही नहीं होती,
बस बीमारी रुक जाती है कहीं, बीमारी अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो एक ही एंटीबायोटिक केमिकल सब्सटेंस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो यही होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। टुडे वी नो डजंस ऑफ एंटीबायोटिक्स वाइडली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमरस इन्फेक्शन। वो कहते हैं आज के टाइम पे तो डजंस ऑफ एंटीबायोटिक्स के नाम जानते हैं जिनका हम इन्फेक्शन वाले केस में यूज भी करते हैं, इन्फेक्शन वाले बीमारियों के ट्रीटमेंट में, सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, टेट्रासाइलिन, पेनिसिलिन एंड सो ऑन। इन्होंने बोला डोजन सब हम जानते हैं, मैं तो बस एक ही का नाम सुना था ना, पेंसिलिन का, केवल ऑनेस्टली बताऊँ तो पेंसिलिन का केवल मैंने नाम सुना था, किसी का नाम सुना नहीं था। पेंसिलिन द फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एंटीबायोटिक फ्रॉम अ फंगस, द फंगस से प्रोड्यूस होने वाली पहली एंटीबायोटिक है। 1929 एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑब्जर्व्ड दैट सम बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ कल्चर वर डिस्ट्रॉयड by an accidental contamination of a modulated penicillium cryptogenum, जिसको पहले penicillium notitum बोला जाता था। He discovered that this mold produced a substance which suppressed the growth of many bacteria and the substance was named penicillin, the first antibiotic for medical use. But remember, penicillin is a product of mold and not of bacterium. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? वो कहते हैं एक बार की बात है 1929 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया कि जो कुछ बैक्टीरिया ग्रोइंग कल्चर है ना, मतलब जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रो होते रहते हैं, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रो होते रहते हैं, वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं किसी, और वो एक्सीडेंटली उनका ध्यान गया कि ये एक्सीडेंटली हमने इसको किसी से मिला दिया, और मिलाने के बाद कंटेमिनेट करने के बाद वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं by accident, accidental contamination of mold penicillium notitum बोल दे रहा हूँ मैं भी, है ना। तो उन्होंने देखा कि जब हम, उन्होंने एक बार ऑब्जर्व किया कि अनजाने penicillium notitum को बैक्टीरिया से मिलाया गया, उसके कॉन्टेक्ट में लाया गया, तो उन्होंने नोट ऑब्जर्व किया कि ये तो बैक्टीरिया तो डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। फिर उन्होंने और ट्राई किया, उन्होंने और डिस्कवर किया, फिर उन्होंने डिस्कवर किया कि जो मोल्ड होता है ना, जो प्रोड्यूस होता है, दिस मोल्ड प्रोड्यूस सब्सटेंस, ये जो मॉड्यूल, जो जो मोल्ड मोल्ड होता है ना, जो ढांचा होता है पेनिसिलिन नोटिटम का, ये एक सब्सटेंस बनाता है, एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो कि इन बैक्टीरिया की, इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करता है, इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करता है, खत्म करता है, सप्रेस द ग्रोथ ऑफ मैनी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करता है, खत्म करता है। इन द सब्सटेंस वॉज नेम्ड पेनिसिलिन, इस सब्सटेंस को नाम दिया गया पेनिसिलिन, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक था जो मेडिकल यूज के लिए। बट रिमेंबर, इसी तरह ना पेनिसिलिन ये मोल्ड का प्रोडक्ट है ना कि किसी बैक्टीरियम का। मोल्ड मतलब क्या, फंगस, मोल्ड मतलब क्या, फंगस, ये फंगस है, ये बैक्टीरियम नहीं है, फंगस है ये, बैक्टीरियम नहीं है। अरे रे, दो मिनट, ये बहुत समझा रहा है, मैं भी इसके आगे थोड़ा पॉज करता हूँ, ठीक है, 5 मिनट बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ इसके आगे, ठीक है।